हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बताऊंगी कैसे हम घर पर ही बहुत आसानी से सब्जियों और फलों को सैनिटाइज कर सकते हैं, वो भी घर पर पड़ी हुई चीज़ों से ही सैनिटाइजिंग करके बताऊंगी। और इस वीडियो में मैंने दो तरीके से फलों और सब्जियों को सैनिटाइज करने का तरीका बताया है। आपको जो भी तरीका आसान और अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। इसीलिए फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा सेफ्टी के लिए सबसे पहले हम मास्क लगा लेंगे। और फ्रेंड्स, मास्क बनाने के दो तीन तरीके के वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है, जैसे कि फैब्रिक मास्क, कैरी बैग मास्क, क्लोथ बैग मास्क का वीडियोस मैंने पहले ही अपलोड कर रखा है। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और आई बटन में दे दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने बहुत ही आसान तरीके से बनाना बताया है। तो सबसे पहले सब्जियों को कैरी बैग से निकाल कर कैरी बैग को डस्टबिन में फेंक दीजिए और सब्जियों को रनिंग वाटर में अच्छे से धो लेना है। यहाँ पर सब्जियों को अच्छे से रगड़ रगड़ कर साफ कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने पहले ही रनिंग वाटर में सब्जियों को अच्छे से रगड़ के साफ कर लिया है और अब हम सैनिटाइज करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा पानी ले लीजिए सब्जियों के हिसाब से, जिसमें सब्जियाँ अच्छे से डूब सकें। तो यहाँ पे मैं विनीगर डालूँगी, और अगर आपके पास विनीगर नहीं है तो यहाँ पे आप नींबू का जूस भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर वो भी नहीं है तो आप इमली भिगोकर उसका भी पानी यूज़ कर सकते हैं, और अगर ये भी नहीं है किसी के पास तो बेकिंग सोडा यानी कि खाने का सोडा भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर दोनों भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने 4 स्पून विनीगर डाला है। यहाँ पर विनीगर एक क्लीनिंग एजेंट है, जिससे कि सब्जियाँ बहुत अच्छे से क्लीन और डिसइंफेक्ट हो जाएंगी। और इसके बाद में यहाँ पे 4 स्पून सॉल्ट डालना है और अच्छे से मिक्स कर लेना है। सॉल्ट से बैक्टीरिया और वायरस रिमूव हो जाता है और अच्छे से क्लीन हो जाता है वेजिटेबल्स और फ्रूट्स। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और सारी सब्जियों को एक एक करके पानी में डालकर कुछ देर के लिए भिगो देना है, 10 से 15 मिनट के लिए। और कई लोग सब्जियों और फलों को सोप या डिटर्जेंट्स में धो रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई सारी सब्जियों में पोर्स होते हैं और साबुन या डिटर्जेंट का पानी अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से हमें मोशंस हो सकती हैं या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम और हमारे बॉडी के लिए ठीक नहीं है। तो इसी वजह से सोप्स या डिटर्जेंट्स नहीं यूज़ करना चाहिए और नेचुरल तरीके से ही सैनिटाइज करना चाहिए। तो इन दो तरीकों से आप सैनिटाइज करेंगे तो बैक्टीरिया वायरस रिमूव हो जाएगा और साथ ही साथ में पेस्टिसाइड्स वगैरह भी अच्छे से रिमूव हो जाएगा। तो फ्रेंड, चलिए अब मैं दूसरा तरीका सब्जियों को सैनिटाइज करने का बताती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने गरम पानी लिया है और गरम पानी
इतना गर्म होना चाहिए कि हम हाथ डाल सकें। 4 स्पून सॉल्ट डालना है और 1 स्पून टर्मरिक यानी कि हल्दी डालनी है और अच्छे से मिक्स कर लेना है और 4 स्पून लेमन जूस डालना है। मेरे पास अभी नहीं है तो नहीं डाला है, अगर आपके पास है तो डाल सकते हैं, ये डालना ऑप्शनल है। और हल्दी नमक तो सबके पास होता ही है तो इसी वजह से ये बहुत ही आसान तरीका मैंने बताया है सैनिटाइज करने का, जिससे कि हर कोई बहुत आसानी से सब्जियों और फलों को सैनिटाइज कर सके घर पर ही। और मिक्स अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें सब्जियों को डालकर 10 से 15 मिनट तक के लिए छोड़ दीजिए और इसके बाद में निकाल दीजिए पानी से, जैसे कि यहाँ पे मैंने दिखाया है। 10 से 15 मिनट के बाद सब्जियों को निकाल लीजिए और पंखे के नीचे सुखा दीजिए, या फिर आप चाहें तो 1-2 घंटे के लिए धूप में भी रख सकते हैं। और अगर चाहें तो सब्जियों को अच्छे से पोंछ कर पंखे के नीचे भी सुखा सकते हैं। आप इन बताए गए 2 तरीकों से स्प्रे की तरह भी बनाकर यूज़ कर सकते हैं और सब्जियों पर स्प्रे करके भी सैनिटाइज कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पानी का कलर चेंज हो गया है और सब्जियां क्लीन हो गई, साइज हो गई हैं। और आप ग्रोसरीज पर भी इसे स्प्रे करके पहुंच सकते हैं, क्योंकि ग्रोसरीज आइटम्स पैक्ड होते हैं और इन्हें अगर साबुन या डिटर्जेंट के पानी में डुबोकर धोने से अंदर पानी जा सकता है, जिसकी वजह से चीज़ें ख़राब हो सकती हैं और साबुन के पानी से हमारे हेल्थ को भी नुकसान है, डाइजेस्टिव सिस्टम ख़राब हो सकता है, दस्त लग सकती है। इन्हीं वजह से आप अच्छे से स्प्रे की तरह इसे स्प्रे करके अच्छे से ग्रोसरीज को पोंछ लीजिए और ग्रोसरीज को सैनिटाइज करने का तरीका हमारे चैनल पे पहले से ही अपलोड किया हुआ है और नेचुरल सैनिटाइज करने का तरीका का डिसइंफेक्टेंट स्प्रे भी बताया हुआ है, आप चाहें तो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में दे दिया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और भी अच्छी वीडियोस देखने के लिए, और बाजू के बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। जब भी हम कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन जाने के लिए, और वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे कि और भी लोग सीख सकें सैनिटाइजिंग का तरीका। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में एक और नई आइडिया के साथ। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।